हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटू नॉलेज में। और मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक्सेल में ह्यूज डेटा, इट मींस कि 10,000 के अबव डेटा के साथ एक्सेल में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी बल्क में डेटा है तो आपको ये प्रॉब्लम आती ही आती होगी। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, तो इसका सलूशन मैं आपको दूंगा। तो आप चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। वीडियो को स्किप ना करिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो को एक बार देखने में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ह्यूज डेटा के साथ एक्सेल में कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल के लार्ज डेटा पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नाम है, लोकेशन है, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है लार्ज डेटा पे काम करने के लिए, एक तो सपोज ये जो लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन वाइज हमें डेटा को स्प्लिट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए कि आपको मिल गया कि लोकेशन वाइज डेटा को अलग अलग करके प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के बाद किसी एक डेटा को, ठीक है, एक लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसमें डेटा 8,941 आ गए हैं, अब इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अलग एक शीट बनाएंगे और उसमें इस डेटा को पेस्ट करेंगे। तो आपको आसान तरीका बताते हैं किस तरह से आप लोकेशन वाइज डेटा को विद इन सेकेंड, ठीक है, विद इन सेकेंड आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इंसर्ट में जाइए, ठीक है, पाइवोट लगा दीजिए। पाइवोट लगाने के बाद क्या करना है कि आप इसको एग्जिस्टिंग ये फ्रंट पे ही रख दीजिए जिससे कि हम डेटा को वैलिडेट कर सकें, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि लोकेशन वाइज लोकेशन को यहाँ पे कर रखना है और लोकेशन के यहाँ पे वैल्यू में भी ड्रॉप कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किस लोकेशन की कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद क्या है कि वो उस लोकेशन का डेटा क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट सीट में। देखिए दूसरे लोकेशन का डेटा बन गया, यहाँ पे तीसरे लोकेशन का डेटा बन गया, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट। इसी तरह से आप बारी बारी डबल क्लिक करते जाइए और आपका डेटा स्प्लिट होते जाएगा, ठीक है, आपका लोकेशन वाइज डेटा स्प्लिट होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी तरीका है, ठीक है, किसी डेटा को स्प्लिट करने का। आसानी से आप डेटा को बस ओनली डबल क्लिक से स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, ठीक है, लोकेशन वाइज डेटा ये आपका तैयार हो गया। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे नाम, इसको नाम कॉपी करना है और इसका सीट का नाम देते जाइए, ठीक है। तो ये कॉपी करिए और सीट का नाम चेंज करते जाइए। तो इस तरह से अगर आपके पास डेटा हैवी है और उसको कि कोई लोकेशन वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से डेटा को आप स्प्लिट कर सकते हैं ओनली डबल क्लिक से, विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंडों में आप डेटा को तैयार कर सकते हैं। तो ये तरीका था हैवी डेटा के साथ काम करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमने देखा है किस तरह से हमने 10,000 के अबव रिकॉर्ड्स के साथ हमने काम किया, क्या इजी तरीका है इस पे काम करने का। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, साथ ही साथ आप अपने इश्यूज मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और इस वीडियो में जो एग्जांपल है उसका प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल की एक्सेल शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और एक्सेल शीट को डाउनलोड करिए और वीडियो के साथ आप उसको प्रैक्टिस करिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।